जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी का अपडेट लेकर के आया हूं। साथ ही इसी वीडियो में आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप भी करके दिखाया जाएगा, यानी कि ए से लेकर के जेड तक की जानकारी इस वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में आपको दी जाएगी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपसे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिस हो जाएगी। और साथ ही साथ आप इस वीडियो में एक सरप्राइज भी पाएंगे वैकेंसी को लेकर के, जॉब को लेकर के, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं गाइस। यहां पर जो आपका एयरपोर्ट विभाग है इसके अंदर फिर से वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी कंडक्ट करा है AAI क्लास के द्वारा। और इसमें यहां पर आपकी जो पोस्ट है वो है सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर की, जिसके लिए 906 पोस्ट है। सेम पोस्ट पर इस साल के अंदर पहले भी वैकेंसी आई थी और इसके बाद में अब यहां पर ये जो वैकेंसी है वो आपकी ऑल इंडिया बेसिस पर निकली है। इन सभी सिटी के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। आप लोग इसमें जो फॉर्म को भरेंगे वो 8 दिसंबर 2023 शाम 5 बजे तक भर पाएंगे। एंड आप यहां पर इसके बारे में जान सकते हैं कि ये आपकी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है जिसका शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका 3 साल का रहेगा। उसके बाद में आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एंड अगर आपका सवाल है कि ये गवर्नमेंट है नहीं है, तो ये आपकी एक सेमी गवर्नमेंट वैकेंसी आप देख सकते हैं। AI कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड, ए 100% सब्सिडायरी ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो AAI है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसकी सब्सिडायरी कंपनी है, जिसको आप सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं। इसके बाद गाइस यहां पर अगर इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप वो देख लीजिए। इसमें पहले आप अपनी एप्लीकेशन फीस ही चेक कर लीजिए। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट को ₹750 फीस पे करनी है और SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल को ₹100 फीस पे करनी होगी। पहले जब यह वैकेंसी इस साल के अंदर आई थी तब इसमें SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं थी, बट इस बार यहां पर इनके लिए ₹100 फीस रखी गई है। आप लोग ये फॉर्म 17 नवंबर 2023 से लेकर के 8 दिसंबर 2023 तक भरेंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे यहां पर ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किया है और आपकी परसेंटेज 60 पर है और आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको यहां पर इसमें अप्लाई करने का मौका मिलेगा। एंड अगर आप यहां पर SC ST है और आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें आपके 55+ परसेंटेज है या फिर 55 है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट के लिए या फिर सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, जिसमें कि बोला है एबिलिटी टू रीड स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि आपको इंग्लिश अच्छे से समझनी आनी चाहिए, हिंदी भी आपको आनी चाहिए। इंग्लिश बोलना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, बट आपको यहां पर वो पढ़नी आनी चाहिए। इसके बाद यहां पर एज लिमिट आप देख सकते हैं 27 साल रखी गई है, जो कि 1/11/2023 तक काउंट की जाएगी। एंड जो प्रोफाइल यानी कि क्या काम आपको इस पर करना होगा वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। बेसिकली बैगेज टाइप आपको कुछ इसमें करना है, कंडक्ट करना है। एंड यहां पर सिलेक्शन जो आपका होगा उसके बारे में आपको यहां पर टाइम आने पर बता दिया जाएगा और आपको बेसिकली इंटरव्यू के द्वारा सिलेक्शन किया जाएगा। एंड अगर इसमें आपको कोई एग्जाम होगा तो उसकी जानकारी भी आपको यहां पर दे दी जाएगी। आप कोई भी चिंता मत कीजिएगा, टाइम टू टाइम आपको यहां पर इनकी तरफ से अपडेट मिलते रहेंगे कि अगर आपका डायरेक्टली इंटरव्यू हो रहा है तो किस डेट में हो रहा है, और अगर आपका एग्जाम हो रहा है ज्यादा संख्या में फॉर्म आ रही है तो फिर कहां पर आपका एग्जाम होगा और क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, ये जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आपने यहां पर ही जाना, अब आप सैलरी भी जान लीजिए। सैलरी आपको यहां पर फर्स्ट ईयर ₹30,000 मिलेगी, सेकंड ईयर 32, थर्ड ईयर 34। अब गाइज यहां पर बात करते हैं आपके इसमें अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में, तो मैंने यहां पर जानकारी दे दी। अभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ये लिंक आप ओपन करके इस भर्ती की सेम जानकारी जो कि अभी आपने नोटिफिकेशन से देखी यहां से देख सकते हैं। आप यहां से सभी जानकारी चेक करेंगे एंड इसके बाद में आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके खुद से भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप इस नोटिफिकेशन को यहां पर देख सकते हैं। अब चलिए सब जानकारी हो चुकी है, अभी हम बात करेंगे अप्लाई करने के बारे में। तो आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। ये ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका इसके ऊपर अकाउंट बना हुआ होगा। आप यहां पर आपके रजिस्टर्ड ईमेल और पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आपका अकाउंट तो बना हुआ है पर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो गाइज आप उसको कैसे रिसेट करेंगे, आप यहां पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर की है वो यहां पर डालेंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करके आपकी जो ईमेल है उसके ऊपर आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी आपकी पासवर्ड की, आप यहां पर लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई भी फॉर्म नहीं
भरा है, तो आप यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, फिर जो आपका आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद में जो आपका नाम है वो आप यहाँ पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग और 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर एक पासवर्ड आप बनाएंगे। इसके बाद में आपको आपका जेंडर बताना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। डू यू हैव पैन नंबर, क्या आपके पास पैन कार्ड है? अगर हाँ तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको आपका पैन नंबर देना है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद में क्या आपके पास पासपोर्ट है? अगर है तो आप यस करके पासपोर्ट का नंबर भी देंगे और पासपोर्ट को अपलोड भी करना होगा, अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। इसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पर डालेंगे, इन सभी जानकारी को चेक करेंगे एंड देन आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर बोला है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और आपको अपनी ईमेल वेरीफाई करनी है और आपको एक बेसिकली ईमेल सेंड की गई है, तो अपनी ईमेल आईडी चेक कीजिए। उसमें आपको एक ईमेल देखने को मिलेगी जिसमें कि आपको एक लिंक दिया है, आप क्लिक करके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी। अब आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालिए जो कि अभी आपने रजिस्टर की है, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालिए, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिल कीजिए एंड देन आप लॉगिन कर लीजिए। अब गाइज मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल जानकारी देने वाला हूँ, ये जानकारी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज के वक्त में क्या चल रहा है कैंडिडेट के मन में कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए और हमें अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो ऐसे में हमारी लाइफ बर्बाद होगी और हमारी लाइफ सेट नहीं हो पाएगी, बट ये पूरा सच नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये पूरा सच नहीं है। ये आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट से बेहतर कई सारी प्राइवेट जॉब होती है, अगर आपको उनमें से एक भी प्राइवेट जॉब मिल जाए तो फिर गवर्नमेंट जॉब वाला आपके सामने कुछ भी नहीं बेचेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, गवर्नमेंट जॉब वाला कुछ भी नहीं है अगर एक अच्छी प्राइवेट जॉब आप प्राप्त कर सके। अब एक अच्छी प्राइवेट जॉब क्या होती है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ऐसी दो वैकेंसी के बारे में बताता हूँ जो कि आपके लिए बोनस साबित होगी और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो गाइज आप सभी ने फोन पे का नाम तो सुना ही होगा, तो फोन पे के अंदर यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है थ्रू नेक्स्ट लेवल। इसमें यहाँ पर iOS डेवलपर की पोस्ट है और दूसरी आपकी यहाँ पर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर की पोस्ट है। इसमें बात करें आपकी सैलरी रेंज की, तो आपकी सैलरी रेंज साल की 25 लाख से 50 लाख होने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना है, आपकी जो सैलरी रहेगी वो आपकी 25 लाख से 50 लाख के बीच में रहेगी एक साल की। और इसमें यहाँ पर जो आपकी लोकेशन है वो आपकी बेंगलुरु होने वाली है। इसमें आपको क्या क्या स्किल चाहिए उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई है, जैसे कि सिस्टम इंटरनल्स, स्क्रूटनिंग, लाइनक्स, नेटवर्क एंड मॉनिटरिंग, ये सभी आपकी यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन इसके बारे में अगर बात की जाए तो डिस्क्रिप्शन है। फिर इसका बेनिफिट्स क्या करेगा, बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, हेल्थ केयर मिलेगा, वर्क लाइफ मिलेगी, पेड ऑफ टाइम, PTO, अदर्स, यहाँ पर बेसिकली ये सभी आपको बेनिफिट इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद में मिलेंगे। एंड बात करें iOS डेवलपर वैकेंसी की, तो इस पर आपका जो पैकेज रहेगा सालाना वो आपका 30 लाख से 45 लाख रुपए रहने वाला है। तो गाइज है ना ये कमाल की जॉब और आपकी गवर्नमेंट जॉब से बेहतर, तो आपको देर किस बात की, आपको इन जॉब में अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए उस लिंक का इस्तेमाल कीजिए और अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद में इनमें अप्लाई कर लीजिए। एंड इसमें यहाँ पर आपका जो एक सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका AI रहेगा, AI यानी कि जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका एक वीडियो कॉल के द्वारा होगा, आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर बैठे बैठे आपका सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस कर लेंगे और फिर डायरेक्टली बस आप ज्वाइनिंग करेंगे। तो गाइज रजिस्टर कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। लॉग इन करने के बाद में आपको यहाँ पर फिर से करियर के सेक्शन में आना है और करियर के सेक्शन में आने के बाद में जो आपकी ये पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इसके सामने आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी, मेरी जानकारी पहले से भरी हुई है तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको यहीं से जानकारी एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इसके बाद आपको फादर नेम यहाँ पर एंटर करना है, आपकी मदर का नेम आपको एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेटिव नंबर के अंदर दे देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया गया आपका परमानेंट एड्रेस में कंट्री, पिन कोड, रिलीजन, इसके अलावा यहाँ पर आपका जो सिटी है वो आप एंटर करेंगे, ये आपका इस तरफ कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है और ये आपका परमानेंट एड्रेस है। तो जो भी आपका परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कीजिएगा एक एक करके एंड यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो भी आपको एंटर कर देनी है। इसके बाद में आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड या फिर सेपरेटेड, जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कीजिए। इसके बाद नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे, रिलीजन आपका जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है।
करना है। फिर नीचे यहाँ पर आएगी कैटेगरी डिटेल, तो यहाँ पर गाइज आपको बताना है आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है, जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपनी कैटेगरी ये वाली सेलेक्ट की, फिर आपकी कम्युनिटी या फिर कास्ट कौन सी है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। आपको आपके विलेज का नाम देना है या फिर टाउन यू बिलोंग टू, किस शहर से आप बिलोंग करते हो उसका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, अपना पिन कोड डालेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिखेंगे, स्टेट आपकी कौन सी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, सर्टिफिकेट नंबर देंगे जो आपने, अगर आप एस सी एस टी है तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, फिर सर्टिफिकेट डेट कब है, कब आपने ये सर्टिफिकेट जारी कराया था वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, किसके द्वारा जारी हुआ है ये सर्टिफिकेट, जनरली एस डी एम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, सी ओ, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है, तो जिसके द्वारा भी जारी हुआ है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर वेदर सर्टिफिकेट इज वैलिड ऑन डेट, यानी कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर क्या एक वैलिड डेट है कि कब तक वैलिड है, अगर डेट है तो आप यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है वैलिडिटी डेट तो आप यहाँ पर नो करिएगा, यानी कि मेरे सर्टिफिकेट के ऊपर वैलिडिटी डेट नहीं है, ये वैलिड रहेगा अगले 2-3 साल तक, तो फिर आप यहाँ पर नो कीजिए। इसके बाद वेदर ओबीसी कम्युनिटी एज पर सेंट्रल लिस्ट, अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट है सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपको अदर डिटेल में आपकी मदर टंग, यानी कि आपकी मातृभाषा कौन सी है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी है आपकी यहाँ पर मातृभाषा वो आप यहाँ पर लिखिएगा। एंड इसके बाद में यहाँ पर आपको आपकी हाइट बतानी है, आपका वेट बताना है, आधार कार्ड नंबर देना है, पैन कार्ड नंबर देना है, पासपोर्ट नंबर अगर है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर अगर आप एक सर्विसमैन है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। पुलिस सर्विस डिटेल में, पुलिस सर्विसेज में अगर आप है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएससी और ऑटोनोमस बॉडी डिटेल, अगर आप है इसमें से किसी भी डिपार्टमेंट में तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। कोई आपके ऊपर एफआईआर पेंडिंग है क्रिमिनल केस में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड इसके बाद में गाइज यहाँ पर दिया डिटेल्स ऑफ रिलेटिव वर्किंग इन डबल ए आई सी एल एस, यानी कि अगर आपका कोई रिलेटिव डबल ए आई क्लास के अंदर काम कर रहा है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे सकते हैं, उनका नाम, उनकी पोस्ट का नाम, जिस पोस्ट पर वो काम कर रहे हैं, किस कंपनी, किस ऑफिस के अंदर है वो लिखेंगे, और रिलेशन आपका उनके साथ में क्या है, आपके फादर है, आपके मदर है, आपके भाई है, आपके बहन है या फिर आपके अंकल है, जो भी आप दे सकते हैं। अगर कोई नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इस जानकारी को मत दीजिएगा। एंड उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन डिटेल आ चुकी है, मैंने अपनी जानकारी पहले से भर रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी अभी। आप यहाँ पर अगर नए सिरे से फॉर्म को भरे या फ्रेशर है तो आप कैसे भरेंगे वो आप देख लीजिए। आप एजुकेशनल डिटेल के सामने एड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहले 10th की जानकारी सेलेक्ट करनी होगी, फिर आपको बताना होगा कि किस महीने, किस साल के अंदर आपने 10वीं पास की है, किस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपने आपकी 10वीं पास की है। बेसिकली आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर एंटर करना है, एंड देन यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है या फिर स्पेशलाइजेशन है वो आप यहाँ पर देंगे, इसमें आप लिख देंगे ऑल जनरल सब्जेक्ट। एंड इसके बाद में ड्यूरेशन में आपको 01 लिखना है क्योंकि एक साल में काउंट होता है। सेम वे में फिर आप एड न्यू एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर 12th की जानकारी देंगे, और फिर यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से महीने, कौन से साल के अंदर आपने पास की है, आपका स्कूल कॉलेज का नाम, आपका स्ट्रीम जैसे कि पीसीएम, पीसीबी, आर्ट, कॉमर्स जो भी है वो लिख देंगे। चाहे तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन पासिंग ड्यूरेशन में आपको 02 लिखना है। इसके बाद फिर आप यहाँ पर एक बार फिर से एड न्यू के ऊपर क्लिक करके जो आपकी ग्रेजुएशन है वो सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पर बताएंगे कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास की है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपको यूनिवर्सिटी का नाम देखने को मिल रहा है, तो जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन किया उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड इसके बाद में आपने किसके अंदर की है वो आपको यहाँ पर बताना है, जैसे कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पर दिए हैं, तो अगर आपने जैसे कि बी है वो आपने किस सब्जेक्ट में की है उन सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर लिख देने हैं, या फिर जो आपका डिसिप्लिन है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ये एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको ड्यूरेशन बताना कि कितने ईयर की है, और फिर आप यहाँ पर इस जानकारी को भी सेव कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आता है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप यहाँ पर प्लस एड न्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको सिलेक्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर NON ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, और फिर आपको यहाँ पर कोई जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको बोला भी है कि नोट फॉर फ्रेशर प्लीज सिलेक्ट ओनली नन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एंड क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट आफ्टर फिलिंग ऑल डिटेल, यानी कि आपको नन सेलेक्ट करके सेव कर देना है और फिर आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आती है लैंग्वेज नॉन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2 लैंग्वेज को ऐड किया है, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश। हिंदी यहाँ पर रीड करनी आती है तो उसके ऊपर टिक करेंगे, फिर पढ़नी लिखनी आती है तो यहाँ पर यस करेंगे, बोलनी आती है तो यहाँ पर आप यस करेंगे। जैसे कि अगर आपको कोई और लैंग्वेज ऐड करनी है तो आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको उस लैंग्वेज को लिखना है, और फिर जैसे कि रीड के ऊपर अगर आपको पढ़नी आती है तो यहाँ पर टिक करेंगे, लिखनी आती है यहाँ पर, और बोलनी आती है तो यहाँ पर। एंड देन
एंड सेवन नेक्स्ट कर देंगे, ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एक्सपीरियंस का सेक्शन आ चुका है, तो इसमें अप्लाई करने के लिए कोई एक्सपीरियंस कंपलसरी रूप में नहीं मांगा है, इसलिए गाइज आपको क्या करना है, आपको बोला है नोट फ्रेशर कैंडिडेट एंटर फ्रेशर इन द नेम फील्ड एंड क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। तो आपको क्या करना है, फ्रेशर आपको यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिखना है एंड फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर आ जाएंगे अदर डिटेल पर, जहां पर आपको प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, जहां पर आपका फॉर्मेट आप देख सकते हैं जेपीईजी पीएनजी का रखा है, साइज 20 केबी से कम रहना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन करता हूं, आपकी फाइल का नेम आ चुका है। अब जहां पर आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर की फाइल आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन फिर आप इसको यहां से ओपन कर लेंगे। फिर गाइज आपको यहां पर बोला है डू यू पोसेसन इन एनसीसी सी लेवल सर्टिफिकेट, इफ यस प्लीज अटैच सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या फिर आपको मिलने वाला है तो आप यहां पर उसको अपलोड करेंगे, नहीं तो आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। स्टेशन, स्टेशन नेम यू आर अप्लाइंग फॉर, कौन से स्टेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, इन सभी लोकेशन पर आपकी पोस्टिंग होगी तो आप कोई भी एक स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिए एंड फिर यहां पर टिक कीजिए। और उसके बाद में आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है, जिससे आपने जो भी जानकारी भरी है वो सभी आप यहां पर चेक कर ले। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो अभी भी आप उसको सही कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहां पर इसको कट करना है और कट करने के बाद में सबमिट एंड पे नाउ के ऊपर क्लिक करना। अब गाइज आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट आ चुका है, तो आप यहां पर अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हैं, जैसे कि स्कैन क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई। तो जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे आप यहां पर इसी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट होंगे जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग AAAI CLAS सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।